हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुदामा भदौरिया चैनल। आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर, यहीं पास में दुर्गा जी का मंदिर है। तो ये हमारा साड़ी है, माता रानी का श्रृंगार का सामान है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, गई हूँ मैं मंदिर। ये है माता रानी, दर्शन कर लीजिए। राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम। माता जी के आज श्रृंगार और वस्त्र, आज माता रानी के दरबार में श्रृंगार और वस्त्र जो है दान कर रही हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधा रमण। पर धारी सुर नर मुनि जन सेवत जय सिया राम। राम जी, जय सिया राम। माता रानी की पूजा के पश्चात परम पूज गुरुदेव श्री हनुमंत लाल जी के महाराज के चरणों में सेवा करने का सौभाग्य। जय सिया राम। आज मैं जा रही हूँ चित्रकूट, मेरे पिताजी की आँखों का ऑपरेशन होना है, तो चित्रकूट जा रही हूँ। वो एडमिट हैं वहाँ पे, तो अभी बस निकलने वाली हूँ मैं, तैयार हो गई हूँ। और टाइम मिलेगा तो आप लोगों को कामतानाथ के दर्शन भी कराऊंगी, क्योंकि परिक्रमा तो कर नहीं पाऊंगी क्योंकि आज ही उनकी छुट्टी हो जानी है, तो लिवा के उनको लाना है। तो मुख्य द्वार के तो दर्शन करूंगी ही मैं कामतानाथ के। तो चलिए फिर आपको आज कामतानाथ के दर्शन कराती हूँ। और उनका जानकी कुंड में ऑपरेशन है आँख का, भारत का बहुत ही अच्छा अस्पताल है चित्रकूट में, जानकी कुंड में बहुत ही अच्छा नेत्र के लिए है, तो वहीं ऑपरेशन होना है। शुगर था उनको तो 2-3 बार वापस हो गए, 2 बार फिर इस बार अब होना है ऑपरेशन, क्योंकि शुगर था तो ऑपरेशन हो नहीं पाता, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब कंट्रोल में हुआ है शुगर तो अब ऑपरेशन है उनका, तो आज ही ऑपरेशन होना है और शाम को छुट्टी हो जाना है। तो बस अभी मैं निकलने वाली हूँ, गाड़ी मेरी आ गई है। मैं आ गई हूँ चित्रकूट जानकी कुंड। बाबू है मेरे पिताजी, आंख बनवाने आए थे जानकी कुंड। चौथे हफ्ते में 2 बार, मतलब एक दिन में एक ही बूंद पड़ी बस।
अब आ गए कामता नाथ के दर्शन करने। कर लीजिए आप लोग। चित्रकूट आए हैं तो कामता नाथ के दर्शन तो जरूर करेंगे। आज खूब भीड़ है कामता नाथ। फूल लेना है ना। चल चढ़ा दिया प्रसाद और अब जा रहे हैं घर। तुम आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। आज हमारे घर में फिर से बन रही है कटहल की ढेर सारी पकौड़ियाँ। कटहर की पकौड़ी मेरी बन गई और आधा मैंने रख दिया ये पूरा मिक्सचर, क्योंकि शाम को अंशु के पापा आएंगे तब पकौड़ी ताजी बनेगी। और ये सब्जी बना रही हूँ मैं। मेरे घर में सभी को कटहर की पकौड़ी की सब्जी बहुत पसंद है, बेसन वाली सब्जी। तो मैं ये हींग जीरा डालूंगी और ये मसाला का मैंने घोल बना लिया। तो इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट है और इसमें गरम मसाला हल्दी धनिया मिर्च सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं मसाला डालूंगी, नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं पकौड़ी डालूंगी। हमारी ग्रेवी खूब अच्छे से पक गई है। ये हमारी सब्जी बनके रेडी है कटहर की पकौड़ी की मस्त वाली। आ गई कच्छू के घर। व्लॉग बन रहा है। अम्मा कहाँ देखती हो? रामायण आ रही है। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग ठीक है। उत्तू बोलो कुछ। उत्तू है जन्मा रही। हाँ लजाती है। इसमें क्या जन्मा रहा है? ओके ये हमारी कटहर की सब्जी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ को खाना देने, उनको भी बहुत पसंद है। सभी लोगों को मेरे घर में, अंशु के पापा को, अंशु कुकिंग को।
हर फेवरेट चीज है बनी। सभी लोगों ने खाना खा लिया और किचन की सफाई भी हो गई। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सुदामा भदौरिया को सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। जय माता दी।